आज से 3 दिन के गुजरात दौरे पर अहमदाबाद पहुंचे पीएम मोदी, मोढ़ेरा गांव को दी स्मार्ट गांव की सौगात। गुजरात के मेहसाणा जिले का मोढ़ेरा गांव बना देश का पहला सोलर विलेज, पीएम मोदी ने कहा आज सपने सच हो रहे हैं। दिल्ली में केजरीवाल सरकार के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम का इस्तीफा, हिंदू देवी देवताओं पर शपथ दिलाने के बाद सीएम केजरीवाल को सौंपा इस्तीफा, कहा मेरे परिवार को धमकियां दी जा रही हैं। चुनाव आयोग ने उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे को सौंपी फ्री सिंबल्स की लिस्ट, दोनों पक्षों को चुनना होगा अपना चुनाव चिन्ह। चुनाव चिन्ह को लेकर शिवसेना में हलचल तेज, नए सिंबल पर मातोश्री में उद्धव गुट का मंथन, शाम 7 बजे शिंदे गुट की होगी दूसरी बैठक। शिवसेना का चुनाव चिन्ह तीर कमान फ्रीज करने पर उद्धव ठाकरे ने किया ट्वीट, कहा चुनाव निशान फ्रीज कर हमारा खून उबाल दिया है। महाराष्ट्र में हिंदुत्व पर सियासत, बीजेपी नेता नीतीश राणे का उद्धव पर हमला, कहा जो हिंदुत्व से टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा। टीपू एक्सप्रेस का नाम बदलने पर सियासत, ओवैसी बोले विरासत मिटाना चाहती है बीजेपी। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती का बीजेपी पर हमला, कहा बीजेपी दुनिया की सबसे अमीर पार्टी, ये दोस्तों का कर्ज माफ करते हैं। दिल्ली में आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, लालू यादव तेजस्वी यादव समेत पार्टी के कई नेता बैठक में शामिल। आरजेडी की बैठक में बिहार के मंत्री तेज प्रताप यादव का श्याम रजक पर बड़ा आरोप, कहा श्याम रजक ने मुझे और मेरी बहन को अपशब्द कहे, श्याम रजक को आरएसएस का एजेंट बताया। मल्लिकार्जुन खड़गे का बीजेपी पर हमला, बोले ये लोग कहते हैं कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, इतने सालों में कुछ नहीं हुआ तो देश में एम्स, डॉक्टर और इंजीनियर कैसे बने। कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव पर कांग्रेस नेता शशि थरूर का बयान, कहा खड़गे और मैं अच्छे दोस्त हैं, इलेक्शन के बाद भी साथ काम करेंगे। आम आदमी पार्टी पर बीजेपी का हमला, कहा कंसों से भरी पड़ी है आम आदमी पार्टी, कल केजरीवाल ने कहा था कि वो कंसों की औलाद का अंत करने आए हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर में किए दर्शन, मां कामाख्या की पूजा अर्चना की। कानपुर में संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान, कहा वाल्मीकि के बिना दुनिया राम को नहीं जानती, देश की आन बान और शान है वाल्मीकि समाज। हरियाणा के अग्रोहा धाम में शरद पूर्णिमा के मौके पर वार्षिक मेले का आयोजन, ZMCL के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा अग्रोहा धाम मेले में हुए शामिल, यूपी के औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी मौजूद। 100 करोड़ रुपए का बनाया जाएगा अग्रोहा धाम विकास ट्रस्ट, डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने ट्रस्ट को 10 करोड़ रुपए देने का किया ऐलान, डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने कहा मैं हर तरह की मदद को तैयार हूं। मुलायम सिंह यादव की हालत नाजुक, डॉक्टरों की निगरानी में आईसीयू में चल रहा इलाज, गुरुग्राम की मेदांता अस्पताल में भर्ती हैं मुलायम सिंह यादव। दिल्लीवासियों को एलजी का तोहफा, दिल्ली में रात भर खुलेंगे 314 प्रतिष्ठान, रात भर ऑनलाइन डिलीवरी को मंजूरी। विशाखापट्टनम में बस पलटने से हादसा, खाई में बस गिरने से कई लोग जख्मी। नवी मुंबई के उरन के पावर प्लांट में ब्लास्ट, 3 लोगों के घायल होने की खबर। राजस्थान में बारिश से उफनाए बांध, पार्वती बांध के 12 गेट खोले गए। गुरुग्राम में गड्ढे में गिरा स्कूटी सवार शख्स, पानी भरने से सड़क पर नहीं दिख रहे गड्ढे। बारिश के कारण ग्रेटर नोएडा वेस्ट में बड़ा हादसा, जमीन में धंसी सड़क। नोएडा अंडरपास में भरा बारिश का पानी, कई वाहन पड़े बंद। यूपी के मेरठ में उफनाए नाले में गिरी कार, लोगों ने कार ड्राइवर की बचाई जान, प्रशासन के खिलाफ लोगों में गुस्सा। गोरखपुर में भारी बारिश से राप्ती नदी का जलस्तर बढ़ा, नदी से सटे कई गांवों में बाढ़ जैसे हालात। जापान के उपरक्षा मंत्री ने उत्तर कोरिया के मिसाइल परीक्षण की निंदा की, कहा ऐसी गतिविधियां स्वीकार नहीं। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार, इमरान ने खोला सरकार के खिलाफ मोर्चा, जेल भरो आंदोलन का किया ऐलान।